हमारी स्लेब जो है वो बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पे हमने घोल लिए दही, क्योंकि ये देखिए काफी गेट लग चुका है तो बस हमें दोस्तों देख पा रहे होंगे सुबह का आज टाइम है, हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया है जो कि दीवार उठाने का। वो यहाँ पे लग चुके हैं, मामा भी साथ पे हमारे मिस्त्री साहब हैं, ये आज से काम स्टार्ट हमने कर दिया है दीवार का, बाउंड्री का इस वाली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानकी नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज से दोस्तों देख लीजिए दीवार का काम जो है शुरू हो गया है, और ये आपको सामने कटवा दिख रहा है, कांटे वाला गेट। तो ये अब यहाँ पे रहेगा नहीं, इसे हटाएंगे। और ये जो नी खोदी है तो देखिए आज मिस्त्री जी लगे हैं, ये हमारे मामा ही लगते हैं रिश्ते में, तो मिस्त्री हैं वैसे तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल, तो इन्हें लगा दिया है। और आज ये दीवार उठाएंगे, आपका जो पापा से हेल्प वगैरह करवाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, दो लोगों के लिए भी इतना काम। तो दीवार उठानी है पूरी की पूरी, मिट्टी से ही, मिट्टी का ही जो गारा है वही यूज किया जाएगा दोस्तों, और हम बजरू। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए संतू भी आ गया है जो कि देवर लगता है, और वो ईंटे बोका रहा है, आस्था के पापा गारा देते जा रहे हैं मिस्त्री को, और जो मामा है वो रखते जा रहे हैं दीवार को। तो आज के दिन इधर वाला जो बाउंड्री है वो पूरा ही उठाएंगे, पूरा ही मतलब कवर करेंगे ब्लॉक के एंड तक। आप देखेंगे कि पूरा ही दीवार जो है यहाँ पे, दोस्तों पापा जी भी आए हैं, वो इसलिए आए हैं क्योंकि देखिए पहले यहाँ की देख रेख वही कर रहे थे, तो उन्हें पता है कि जो हमारे मतलब पूरे बगिया की जो सीमा है वो कहाँ तक है, तो उस सीमा पे ही तो आखिरकार दीवार उठनी है। तो वही वो देखने आए थे कि कहीं टेढ़ी मेढ़ी या फिर ज़्यादा या फिर कम तो नहीं दीवार मतलब लाइन खींच रहे हैं, तो वही देखने आए थे। और वही बता रहे हैं मामा को कि भैया ऐसे ऐसे यहाँ से दीवार आएगी यहाँ तक हमारा। और फिर जब मतलब एक देखा जाए तो बड़ा ही काम है, लड़का अगर कर रहा है तो फिर कुछ भी काम घर को लेकर तो फिर बड़ा ही, चाहे बेशक मट्टी से ही हम बाउंड्री उठा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये एक बहुत ही बड़ा काम है। तो चारों तरफ से बाउंड्री हो जाएगी, पूरा घर बन जाएगा। हम जहाँ पे रहने आए थे वो बिल्कुल जंगल था, धीरे धीरे करके घर बना रहे हैं, अभी बना भी नहीं है बना रहे हैं, तो वो तो सभी को लगेगा ना कि एक बार देख के आते हैं कहाँ तक क्या हो रहा है। तो अब देखिए आस्था के पापा यहाँ पे पानी भरने लगे हैं, और अगर पानी ना होता तो बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत पड़ती। देख ही पा रहे होंगे दोस्तों गेट यहाँ पे लग चुका है। तो दोस्तों दो लोग लगे गेट को उठा के लगाने में, और किसी ने वीडियो नहीं बना पाया, और फिर मामा जी ने इसे देखे कस दिया है ताकि
गेट हिले डुले ना और ठीक से सेट हो जाए। तो देखिए जल्दी जल्दी दीवार उठती जा रही है क्योंकि मिस्त्री जी लगे हैं, तो बस मतलब जल्दी जल्दी काम हो रहा है। आस्था के पापा हेल्प वगैरह का काम करवा रहे हैं और जल्दी जल्दी काम जो है होते जा रहे हैं, मतलब एक से बढ़कर दो, दो से बढ़कर तीन, तो इस तरीके से काम जल्दी जल्दी हो रहा है। और यहाँ पे दोस्तों मैंने बनाया है सबके लिए नाश्ता वगैरह, पराठे बना दिए हैं, बैंगन का भरता बना दिया है और आम की चटनी पीस दी है, प्याज वगैरह ये सब। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे यूपी में, जब ऐसे हमारे घर में कुछ काम आम लगता है, मजदूर आते हैं तो इसी तरीके का उन्हें नाश्ता दिया जाता है। तो मैंने भी बना दिया है पराठा वगैरह, कलेवा हमारे यहाँ बोलते हैं। तो आस्था के पापा हैं, संतु है और मामा जी हैं, तो सब लोग मिलके खा लेंगे। तो दोस्तों आप सभी ने देखा बाहर लग रहा है गेट और दीवार भी उठ रहा है, मतलब अब आगे से छिक जाएगा। अब मैं अभी मतलब नाश्ता पानी हो गया है, इन लोगों को नाश्ता पानी करा दिया है, सुबह ही सुबह मैंने बना दिया था तो खा पी लिया है। और मैंने भी खा लिया है एक पराठा, और पराठा मैंने भी खा लिया। अब चलते हैं बाहर, जो जहाँ पे कल स्लेब बना था वहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई करें, सामान वामान हटाएं और मिट्टी उट्टी से छापने की तैयारी करें। और दोस्तों यहाँ पे मैं आ गई हूँ ड्रम को वो करने, खाली करने। ये हमारे यहाँ एक ड्रम है जो कि अभी मैंने इसमें सामान भर दिए थे, कपड़े वगैरह भर दिए थे। चूहे जो हैं हमारे यहाँ के धनिया बहुत खाते हैं, तो धनिया मैंने इस डब्बे में ड्रम में भर के रख दिया था, लेकिन आज इसकी ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि बाहर पानी की दिक्कत हो जाएगी अगर लाइट नहीं रही। लाइट है तो ठीक है, अगर लाइट ना रही बाई चांस तो फिर हमें दिक्कत होगी। इसलिए आस्था के पापा ने बोला कि ड्रम खाली कर लो और पानी भर के रख देते हैं, एक्स्ट्रा में पानी भर के रखा रहेगा तो काम रुकेगा नहीं। अगर लाइट चली भी गई, थोड़ी देर नहीं आई, तो हमारा काम तो कम से कम नहीं रुकेगा ना, पानी रहेगा तो बस इसीलिए जल्दी से मैं इसको खाली करने लगी। कपड़े लत्ते इसमें बहुत सारे भरे थे और धनिया भी रखी हुई थी, तो सारे चीज़ मैं हटा दे रही हूँ और इसे खाली कर दे रही हूँ। लेकिन अब इसे अंदर में नहीं रखूँगी, ये बाहर ही रहेगा इसमें, क्योंकि दिक्कत होती है पानी, बार बार पानी चालू करना पड़ता है। इसे एक बार भर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पानी इसमें भरा रहता है और पूरे दिन का यूज के लिए काफ़ी है। दोस्तों मैंने ड्रम बाहर खाली कर लिया और बाहर लेके आ गई हूँ, और जहाँ पे हमारा बाथरूम सा बन रखा है वहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे भर लो तो नहाने धोने के लिए हो जाएगा इसमें पानी, और अगर हमें कम पड़ेगा तो उस तो भी मतलब उसमें ले सकते हैं। तो दोस्तों ये एक काम जो है पानी लगवा लेना बहुत ही सही रहा, बहुत दिक्कत करके हमने पानी लगवाया लेकिन अब लगता है कि बहुत आराम है फिर भी पानी से, और यहाँ पे काम इतनी जल्दी जल्दी हो जा रहा है पानी की वजह से। ले बना दी, सामान हटा तो दी यहाँ से सारे। तो आस्था के पापा तो लगे हुए हैं दीवार उठाने में, और यहाँ पे इस अलमारी को छापना था, कल आस्था के पापा ने इसे बनाया था लेकिन इधर
धरती वगैरह भी छापनी थी, लेकिन मेरे से अभी जितना हो पा रहा है उतना मैं कर दूंगी। और उसके पहले मैंने सोचा कि पहले ये जो अलमारी है इसे ही बढ़िया छाप देते हैं, चारों तरफ चिकनी वाली मिट्टी है ये, इसमें बिल्कुल भी कंकड़ वगैरह नहीं है, तो अच्छे से ये छप जाएगा और बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, जैसे कि सीमेंट से ही बना रहे हों उस तरीके का। तो दोस्तों नीचे की तरफ देखिए बिल्कुल चिकना हो गया है, और अब ऊपर पे भी बिल्कुल छाप कर देंगे, क्योंकि कल जो आस्था के पापा ने छापा था वो कंकड़ वाली मिट्टी थी और अभी वो गीली है, इस वजह से जो ये अभी चिकनी वाली मिट्टी से छापेंगे ना वो और अच्छी बैठेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ वो जो कल वाली गीली मिट्टी ज़्यादा रहेगी वो अभी दब जाएगी अच्छे से, तो इस कारण से गीले में अगर छाप रहे हैं तो ये और अच्छा है। और मैं आज ना बहुत अच्छे से इसको छापने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे से बिल्कुल एक बराबर करके, ताकि जब हम इस पे गैस रखें ना तो ये इधर उधर ऐसा ना हो कि या तो इसी तरफ लुढ़ने लगे या फिर उसी तरफ लुढ़ने लगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल एक बराबर से छापूंगी। और देखते जाइएगा आप सभी लोग दोस्तों, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा लगने लगेगा। तो दोस्तों पूरी स्लेब जो है ना मिट्टी से छाप दी, और देखिए बिल्कुल एक बराबर है, और ये एक कोना रह गया है इसे भी छाप देंगे। और एक दिन कमेंट आया था कि आप थाली से इसे बराबर किया कीजिए, तो एक बार थाली से भी बराबर करके देख लेंगे कि कैसा, मतलब उससे और बढ़िया होता है या फिर नहीं। तो मैंने सोचा पहले हाथों से ही अच्छे से बराबर कर दिया जाए, उसके बाद एक बार ट्राई करेंगे थाली से एक बराबर कर। दोस्तों देखिए ये हमारा स्लेब बन चुका है, ये देखिए दूर से दिखाते हैं, तो दोस्तों और सभी जगहों पे भी छाप देंगे, जो ये दोनों दीवारें खड़ी करी थी इन पे छाप देंगे मिट्टी, तो ये होगा कि ये और मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि सिंगल वाला ईंट चला हुआ है इस पे सिंगल सिंगल, तो इस पे मिट्टी छापना वैसे भी ज़रूरी है ताकि थोड़ा सा मजबूत हो जाए, हिले डुले ना सामान। हमारी स्लेब जो है वो बनकर तैयार हो गई है, छाप भी दिया है मैंने चारों तरफ से, और यहाँ पे हो रहा है देखिए मसाला मिक्स सीमेंट वाला गेट को जमाने के लिए, और इतनी दीवार उठ गई है।
और दोस्तों धूप बहुत हो गया है। यहाँ पे हमने घोल लिए दही, क्योंकि गर्मी का दिन भी है और दही था भी घर में रखा हुआ था, तो दे आते हैं। आस्था के पापा बाहर जब से काम में लगे हुए हैं तो उठा लो आस्था। दही ले आई थी है? और दोस्तों देखिए घर में क्या निकल गया है, एक छोटा सा सांप का बच्चा मिट्टी में से। सांप का बच्चा, सांप का बच्चा केंचुआ है, ये कहाँ से आ गया? तो दोस्तों शाम का समय अब होने लगा है और देखिए इतनी दीवार अब उठ गई है, मतलब कि कंप्लीट होने ही वाला है जितना हमारा गेट है, मतलब कि जो गेट ये लग रखा है इतना ही दीवार और चलना करना है, मतलब जो अगल बगल की दीवार है वो बस उतना ही चलेंगी, उसके बाद बस बंद। और इधर की दीवार कंप्लीट हो जाएगी, टेपर उसके बाद काट देंगे, मतलब थोड़ा सा मसाला वगैरह ऊपर डाल देंगे ताकि मिट्टी का ईट, मिट्टी से इसको जमाया जा तो ईट निकल सकते हैं, इसलिए ऊपर से एक बार जो सीमेंट वाला मसाला होगा वो डाल देंगे, अभी नहीं, अभी तो ये ऐसे ही दोस्तों देखिए फाइनली ये वाली दीवार, सामने वाली दीवार पूरी हो गई है, कंप्लीट हो गई है। ये ननद रानी जी बैठी हुई हैं चाची जी की, और यहाँ पे अभी आस्था के पापा का काम खत्म नहीं हुआ है, तो पेड़ों में पानी डाल के आ रहे हैं चाचा भतीजी। यहाँ पे इनकी हालत देखो, इनकी तो पतलून ढीली हो गई, इनके कपड़े देखो, इनके क्या हाल कर लिए, पूरा मट्टी में गोते मार मार के एकदम। मेहनत करिए, अब यहाँ पे आने जाने का रास्ता बना रहे हैं दोस्तों। चलिए आपको बाहर से दिखाते हैं गेट, बाहर चलें बाहर। दोस्तों बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों ये देखिए बाहर से कितनी दीवार कितनी अच्छी लग रही है, कहाँ दीवार यहीं तक ही रखनी दीवार, हाँ बस कर देंगे जाएगी। दोस्तों आप सभी ने देखा बाहर की तरफ से दीवार और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। अगर आप सभी को ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, नमस्कार दोस्तों।